ये काफल हम जोल देवी के पास खालियों में, ये पुल है, पुल से पार जाने। और हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड्स। अभी पहुँचा हूँ मैं जाजर देवल और एक मेन जगह है यहाँ पे। यहाँ से देखिए एक रोड जो नीचे को जा रही है, थल चौकड़ी बागेश्वर वाली लाइन है और एक ऊपर मुंशहरी धारचूला डीडीआर। अगर मुंशहरी जाना है आपको तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं। थल से ऊपर को रोड कटती है नाचनी होते हुए, वहाँ से भी आप मुंशहरी पहुँच सकते हैं। अगर इस रास्ते जाना तो इस रास्ते भी जा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह का रास्ता। अगर यहाँ से जाओगे तो ये मुंशहरी टॉप में पहुँचे, फिर वहाँ से घूम के इस रास्ते आ भी सकते हो। तो कुछ इस तरह का है रूट यहाँ पर से। तो मैं आज निकल रहा हूँ इस रास्ते से मुथकोट को। फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी पहुँचा हूँ शिव मंदिर पे, नैनपातल में। ये शिव मंदिर है, कुछ इस तरह का देखिए। बहुत ही बढ़िया जगह पे मंदिर बना हुआ देख सकते हैं, चट्टान है ऊपर को। जय भोलेनाथ। धारचूला मुंशहरी बॉर्डर रोड है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स अभी आगे। अभी पहुँचा फ्रेंड्स कनाली छिना मार्केट, कनाली छिना पर। और ये मार्केट है कनाली छिना की। कनाली छिना से आगे देखिए फ्रेंड्स, ये रोड दिख रही होगी आपको, बस इसी रोड से आपको जाना है। नज़ारे देखिए कितना धुंधला दिख रहा है इस समय, ये जंगलों में आग लगने की वजह से। देखिए धुआं कुछ इस तरह से धुंध लगी है चारों तरफ। फ्रेंड्स अभी बढ़ते हैं आगे को। ये काफल क्या रेट है वैसे? 20 रुपये। 20 रुपये गिलास? यार मैं 20 रुपये तो ज़्यादा ही कह रहा हूँ, ठीक ठीक लगाना है, इतना महंगा थोड़ी है। तो ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे से 20 रुपये के काफल और जा रहा हूँ आगे जोल जीबी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये काफल जो है ना अप्रैल मई में होते हैं खासकर, और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका, मीठा मीठा खट्टा खट्टा। पिछली बार 10 रुपये गिलास था, इस बार 20 है। लेकिन क्या है, कुछ मौसमी फल होते हैं, ये टेस्ट करने में और अलग ही मज़ा आता है। अच्छा भाई साहब चले फिर। हाँ ओके, यहाँ पे थोड़ा रुकने का बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स मुझे। ये पेड़ है यहाँ पे और छाव है अच्छी यहाँ पर। और ये बस आ रही है पिथौरागढ़ से मुंशहरी की तरफ, ये गाड़ी, ये बस जाएगी मुथकोट तक फ्रेंड्स। पिथौरागढ़ से आइए मुथकोट तक जाएगी गाड़ी, इसी रोड पे जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ अभी। और ये लिया मैं कुछ ओगलास है, देखिए ये है बर्गर और ये है काफल। ये 20 रुपये का काफल कह रहा था हूँ, लेकिन 10 रुपये में दिए मुझे। और ये पानी की बोतल। तो ये रहेगा फ्रेंड्स आज मेरा लंच, देखते हैं किस तरह का है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अच्छा है, मीठे मीठे खट्टे खट्टे फल का फल हुआ है। इसलिए टेस्ट इसका लेना है ना काफल का फ्रेंड्स, तो इकट्ठा लाओ कुछ ही तेज ना, इकट्ठा मुँह में डालो तो अच्छे से पिचकाओ मुँह में और रस लो दाने, फिर तब कुछ अच्छा लगता है खाने में। मुझे अपना बता रहा हूँ मैं, आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा। 2 बर्गर और 1 गिलास काफल खा लिया हूँ मैं और भूख भी मिट गई है मेरी। तो अब फ्रेंड्स निकलते हैं मुथकोट की तरफ, इस तरह की रोड है यहाँ को निकलना है। और बढ़ते हैं अभी यहाँ से आगे को जोल देवी की तरफ।
जोलजी भी होते हुए ही जाएंगे मधुकोट को, वो सब कुछ आगे बताता जाऊंगा मैं आपको। चलिए ये पहुंच गया फ्रेंड्स हम जोलजी के पास। ये पहुंचे फ्रेंड्स हम बरम, और ये है बरम की मार्केट। फ्रेंड्स जोलजीबी से मधुकोट को जाते हुए कुछ इस तरह का दिखता है मार्केट, और ये रोड है, इस रोड से जाएंगे हम आगे। मौसम भी ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स आज, ये देखो बादल बादल अंधेरा अंधेरा टाइप ख़राब है। देखो मौसम के हिसाब रहते पहुंच गए मधुकोट तो अच्छी बात है, बिक गए तो फिर यहीं बिक गए। चलो जो भी है देखते हैं आगे चलते हैं। 4:20 हो रहे हैं अभी और मौसम कुछ इतना ख़राब हो रहा है। 15 किलोमीटर का सफ़र और है, मौसम अचानक ही ख़राब हुआ है। हाँ थोड़ी देर में खुल जाएगा तो पहुँच जाते हैं। अभी मौसम खुलने का इंतज़ार और फिर आ रही है चाय, बारिश हो रही है, काफ़ी तेज मौसम गरज रहा है, शायद काफ़ी तेज़ बारिश हो गया। छोरी बगड़ पर रुकाओ फ्रेंड्स, अभी पी रहा हूँ चाय और मौसम देखते हैं खुलता है थोड़ी देर में, तो चलते हैं आगे को। बारिश हो रही है कई तेज, मौसम काफ़ी अंधेरा हो गया है, टाइम अभी 4:30 हो रहा है, दिन के 4:30 हो गया और मौसम काफ़ी घनघोर बारिश हो रही है। फ्रेंड्स बारिश थोड़ा थम गई अभी, अब पूरी तरह साफ तो शायद ही होगा, तो ऐसे में चल रहा हूँ अभी आगे को मधुकोट को। पहुंच गया हूँ अभी मधुकोट के काफ़ी नज़दीक, और यहाँ पे देखते हैं एक नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस पहाड़ी का, बर्फीली पहाड़ी है और ये नीचे है गोरी नदी। इस रोड से आया फ्रेंड्स और ये है मधुकोट। देखिए ये पुल है, पुल से पार जाना है और थोड़ा ऊपर ये मधुकोट मार्केट है। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मधुकोट, यह मधुकोट की मार्केट। यानी बारिश जितनी रास्ते में लगी छोरे पकड़ कर, और कुछ इस तरह की मार्केट है फ्रेंड्स। अभी तो पहुँचा नहीं जगह, इस होटल में ठहरा हूँ यहाँ संगम होटल, तो चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आपको किस तरह का है यहाँ होटल और किस तरह की व्यवस्था मिलती है हमें। यह है रूम, ये लिया है मैंने रूम, और इस बेड पर सोऊंगा मैं और यहाँ टीवी देखूंगा मैं, और यहाँ से फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह का है। देखिए पूरी मधुकोट की मार्केट है, ये नीचे वाली मार्केट है और ऊपर वाली मार्केट ऊपर से बारिश से भीग भी गया हो फ्रेंड्स में, तो ये तो ठीक कुछ रूम की बात है, कुछ इस तरह की फैसिलिटी मिलती है फ्रेंड्स यहाँ पे। एक बार देखते हैं छत पे से किस तरह का नज़ारा है, देखते हैं। फ्रेंड्स पहुँच गया हूँ छत पे और देखिए नज़ारा कुछ इस तरह का है, इधर पे कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है फ्रेंड्स छत पे से।
इस तरफ से आए थे हम, और ये है मतकोट के इस साइड के गांव दिख रहे हैं, और ये गांव के लिए रोड जा रही है फ्रेंड्स यहाँ से, और ये है मतकोट। होटल के छत से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है फ्रेंड्स चारों तरफ, देख सकते हो मौसम भी ख़राब है आज। अभी तो पहुँचा है फ्रेंड्स मतकोट, अब देखते हैं मतकोट को एक्सप्लोर करते हैं, आपको बता दें कुछ मतकोट के बारे में बेहतरीन तरीके से कुछ अपने अंदाज में। कुछ इस तरह का नज़ारा है छत के चारों तरफ फ्रेंड्स। अगर इस रूम के रेंट की बात करूं तो लगभग 400 एक रात का पड़ जाता है यहाँ पे, तो 400 के हिसाब से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, बेड है काफ़ी अच्छा, और इधर टूब भी है, अटैच बाथरूम भी है, और फ्रंट का भी वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो मेरे हिसाब से मुझे सही लगा फ्रेंड्स 400 में रूम अटैच, अपना बढ़िया से रहो और काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो कुछ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।